स्नाउट ऑफ मैमल्स। अभी मैमल्स के बारे में तो आपको पता है ना। हाँ,
people love this story. Even we grown-ups also love this story, okay? Yeah. One day, Alice was lying under a tree, listening to her sister reading a story. तो एलिस की एक बड़ी बहन थी और एलिस एक दिन ट्री के नीचे अपने घर के कंपाउंड में गार्डन में ट्री के नीचे लेटी हुई थी और क्या कर रही थी? उसकी बहन उसको स्टोरी बुक में से स्टोरी सुना रही थी, उस स्टोरी को वो सुन रही थी। सडनली शी सॉ अ व्हाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। अच्छा, उसने एक व्हाइट रैबिट को, खरगोश बोलते हैं हिंदी में, राइट? एंड गुजराती में ससियो। ओके, तो एक व्हाइट कलर का रैबिट था, उसको अचानक से वहां से पास होते हुए वो कैसे एकदम लाइट स्टेप से दौड़ के जा रहा था। उसको देखा अचानक से उसने कि रैबिट बाहर के दौड़ के जा रहा है। अभी ये कोई नई बात तो है नहीं रैबिट पर, उसमें कुछ नया था ना, जिसकी वजह से एलिस अचानक चौंक गई। क्या था? He had pink eyes and was wearing a blue coat. उसकी आईज कैसी थी? पिंक। और उसने क्या पहन के रखा था? ब्लू कलर का कोट पहन के रखा था। He took out big watch from his waistcoat pocket. उसने वेस्टकोट भी पहन रखा था कोट के नीचे, ठीक है? तो पहले उसने शर्ट पहना था, उसके ऊपर वेस्टकोट पहना था और उसके ऊपर ब्लू कलर का कोट पहना था। तो उसने क्या किया? अपना जो वेस्टकोट का पॉकेट था ना, उसमें से एक बहुत बड़ी सी पॉकेट वॉच निकाली। जैसे हम रिस्ट वॉच पहनते हैं वैसी ही वॉच होती है और उसमें एक चेन बंदी होती है और वो नेक चेन लंबी होती है। तो उसको पॉकेट में रखने के लिए होती है, तो उसमें हाथों पे बांधने के लिए बेल्ट नहीं होता है। तो वो पॉकेट वॉच उसने निकाली और क्या किया? टाइम देखा। एंड एज ही हरेड अवे ही सेड, ओह डियर, आई विल बी टू लेट। क्या बोला? अरे मैं तो बहुत देर हो गई, मुझे मैं बहुत देर कर चुका हूं। तो ये उसने बोला, पॉकेट में से वॉच निकाली, देखी और टाइम देख के बोला कि मुझे तो बहुत देर हो चुकी है। और ये एलिस ने सब देखा और सुना। शी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। उसने सोचा कि इस रैबिट के बारे में कुछ तो चीज अलग है, कुछ डिफरेंट है। आपको भी लगा ना कुछ डिफरेंट है? एनिमल्स इस तरह के कोट वेस्ट कोट वगैरह कपड़े नहीं पहनते हैं, और वो भी वो वॉच रखेंगे, पॉकेट वॉच, और वो भी टाइम देखना हमको आता है जिस तरह हमें टाइम देखना आता है, और वो हमारी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ह्यूमन लैंग्वेज में, कैसे पॉसिबल होगा? पर ये तो स्टोरी है। इट कुड टॉक, इट वर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच। रेड कलर का वेस्ट कोट पहना था, उसके ऊपर ब्लू कोट पहना था और वेस्ट कोट के पॉकेट में वॉच थी। एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट, अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट। एलिस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी and she followed the white rabbit. तो एलिस को ये विचार कि बोलने वाला रैबिट जो ह्यूमन लैंग्वेज में बोलता है, हम मनुष्यों की लैंग्वेज में बातें करता है, और वो भी उसने वेस्टकोट पहन के रखा है, तो उसको क्यूरियोसिटी, बहुत जिज्ञासा हुई कि ये कैसे, राइट? एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। उसने भी वाइट रैबिट के पीछे लाइट स्टेप से दौड़ना शुरू किया, उसको पीछा कर रही थी देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ऐसा का रैबिट तो उसने पहली बार देखा था। आपने सुना था ऐसे रैबिट के बारे में? नहीं? ओके, तो इस स्टोरी में आपने भी पहले
मैंने उदासना तो आप भी सोच रहे हो राइट हाँ तो रैबिट द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल तो रैबिट ने दौड़ना शुरू किया क्योंकि वो लेट हो रहा था उसको देर हो चुकी थी और एलिस ने भी उसको दौड़ के फॉलो करना उसका पीछा करना शुरू कर दिया तो अचानक से रैबिट ने क्या किया वो एक रैबिट होल के अंदर कूद के चला गया तो क्या हुआ आगे एलिस ने क्या किया एलिस जंप इनटू द रैबिट होल टू अभी एलिस इतनी क्यूरियस थी उसको मन में इतने सारे सवाल थे कि वो अपने आप को रोक नहीं सकी उसने भी जंप किया रैबिट होल में रैबिट के पीछे पीछे ओके द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल वो बहुत नीचे तक जा रहा था रैबिट होल अर्थ में तो वो नीचे 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 गिरता गया गिरता गया गिरता गया एलिस सेड अलाउड वो अपने मन के विचार थे वो सिर्फ मन में ही नहीं सोच रही थी बोल भी रही थी वेयर एम आई मैं कहाँ हूँ हाउ मेनी माइल्स डाउन आई हैव फॉलन तो माइल्स आपको पता है जैसे किलोमीटर होता है मीटर होता है सेंटीमीटर होता है एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है राइट मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर तो वैसे ही माइल्स भी डिस्टेंस नापने के लिए एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है टू मेजर डिस्टेंस जैसे कि किलोमीटर हम यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल जूनागढ़ से राजकोट 100 किलोमीटर है तो उसको माइल्स में भी हम बता सकते हैं तो माइल्स में उसका नंबर डिफरेंट होगा 100 नहीं होगा राइट जैसे 100 मीटर्स 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर वैसे उसका भी एक नाप होता है ओके तो वो बोल रही है कि मैं कितने माइल्स अंदर जा चुकी हूँ अर्थ के अंदर आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ वो सोचने लगे कि मैं तो अर्थ के सेंटर तक पहुंच रही होंगी कहाँ पे उसके सेंटर के नजदीक पहुंच चुकी होंगी अब तक तो शी वंडर्ड विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड वो सोचने लगी इतनी देर से गिर रही हूँ नीचे जमीन तो आई नहीं तो क्या मैं दूसरी तरफ निकलूंगी अर्थ के ऐसे नीचे से दूसरी तरफ देखते हैं वो कहां पहुंचती है थम आवाज आई क्योंकि फाइनली वो जमीन पे गिरी नीचे एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स तो अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स मतलब ड्राई लीव्स का एक ढगला था वहां पे राइट वी टेल के वो ढग था ढेर था इन हिंदी गुजराती या ड्राई लीव्स नो ढगलो बोलो तो एक ढगला ऊपर है पड़ी राइट उस ढेर पे वो गिरी तो थम करके जरा सी आवाज आई शी लुक्ड अराउंड क्विकली उसे अपनी चारों तरफ नजर फेर के देखा And suddenly saw the white rabbit again. अचानक उसने वापस उस white rabbit को देखा गिरने के बाद. It disappeared, saying, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting!" वो बोला कि अरे देखो तो सही मैं कितना देर कर चुका हूँ. I am very late. Alice stood up and saw a small door. About 15 inches high. आपके पास स्केल होगी बड़ी वाली उसमें आप देखो 12 inches दिखाए हैं 12 + 3 = 15 तो देखो आप सोचो 15 inches की लाइन बनाओ तो 15 inches लंबा एक डोर उसको दिखा उस डोर की हाइट क्या थी 15 inches थी तो देखो कि कितना छोटा डोर था ड्रॉ करके देखो रफ बुक में हाँ तो उसने लिखा कि छोटा सा दरवाजा है और वो कितना छोटा हाइट उसकी कितनी है 15 inches इट वाज टू स्मॉल फॉर हर
उसके ऊपर गोल्डन कलर की एक की पड़ी थी। She tried the little golden key in the lock. दरवाजे के लॉक में उसने वो गोल्डन की लगाई, ट्राई किया कि खुलता है इससे दरवाजा, तो and to her delight it fitted. तो वो दरवाजे के लॉक में अंदर फिट आ गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लगा। To her delight, उसकी खुशी के उसको खुशी हुई कि वो की अंदर लग चुकी है। Alice opened the door and looked into the lovely garden she had ever seen. उसने दरवाजा खोला और क्या देखा? The loveliest garden she had ever seen. उसने ऐसा lovely garden पहले कभी नहीं देखा था। वो दुनिया का सबसे loveliest मतलब सबसे प्यारा खूबसूरत garden था जो उसने देखा था। जो भी पहले गार्डन देखे थे उन सबसे ये बेटर था। How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. उस गार्डन में क्या था? बहुत अच्छे अच्छे ब्राइट कलर्स के फ्लावर्स थे और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स के बने हुए फाउंटेन्स थे और वो कूल थे। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर था, तो वाटर हमेशा ठंडक देता है। तो बहुत अच्छे कूल फाउंटेन्स उसने देखे, ब्राइट कलर्स के फ्लावर्स देखे, तो उसको अंदर जाने का मन हुआ कि बहुत ज़्यादा मन हुआ कि मैं अंदर जाऊँ उस फ्लावर्स में, उस फाउंटेन के पास जाके खेलूँ, बैठूँ, आराम करूँ। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। वो दरवाजे से अंदर तो उसका सर भी नहीं जा रहा था, तो वो पूरी की पूरी कैसे दरवाजे से अंदर जा सकती थी गार्डन में? अब क्या होता है? वो कहती है, Oh, how I wish I could become smaller. She exclaimed loudly. उसके मुंह से अचानक एक बात निकल पड़ी जोर से कि काश मैं छोटी बन पाती ताकि मैं इस दरवाजे से अंदर जाके गार्डन में जा सकती और एंजॉय कर सकती उस गार्डन को। तो ये थी हमारी यहाँ तक की स्टोरी बुक में, जहाँ पे एलिस वंडरलैंड के दरवाजे तक पहुँच गई है। अभी वो दरवाजे से अंदर जा सकती है कि नहीं जा सकती है, अगर जाएगी तो कैसे जाएगी, क्योंकि उसको तो स्मॉल बनना पड़ेगा या तो दरवाजे को बड़ा करना पड़ेगा, है ना? तो क्या होता है आगे वो आप रीड कर सकते हैं, जो बुक्स लाइब्रेरी में है वहां पे जाके आप लाइब्रेरी से बुक लो, एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी वाली। एंड दूसरी उसकी आगे की स्टोरी है लुकिंग थ्रू द ग्लास, तो वो भी आप ले सकते हो बाद में और उसको भी रीड कर सकते हो। तो एलिस की पूरी स्टोरी आपको रीड करने को वहाँ पे मिलेगी कि वो वंडरलैंड में अंदर जा सकती है उस गार्डन में, और जा सकती है तो जाने के बाद क्या होता है ना? बहुत प्यारी, बहुत अच्छी स्टोरी है, मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज है। बहुत सारी मेरी फेवरेट स्टोरीज है ना, उसमें से ये एक है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, आप बहुत एंजॉय करोगे, है ना? और आपको पता है एलिस इन वंडरलैंड के ऊपर एक से ज्यादा फिल्में बन चुकी है एक्चुअली। तो अमेरिकन मूवीज भी बन चुकी है और ब्रिटिश मूवीज भी बन चुकी है, तो आप उसको भी देख सकते हो, है ना? ओके, तो आगे देखते हैं हम एक्टिविटीज इस लेसन में, क्या एक्टिविटीज है देखें। ओके, इस लेसन में बहुत सारी एक्सरसाइज है, वो सारी की सारी हमारी वर्कबुक में भी है, तो वर्कबुक के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, हाँ थोड़ा सा देख ले कि क्या है। रीडिंग इज फन, उसमें क्वेश्चन आंसर्स है जो हम अपने वर्कबुक में लिखने हैं, और उसमें एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको जगह दी गई है
क्या ड्रॉ करना है, एक गार्डन जिसको आप अपने ड्रीम्स में देखते हो, तो गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स दैट यू हैव टू ड्रॉ। तो अपने ड्रीम का, अपने सपनों का एक गार्डन कि आपको क्या लगता है गार्डन कैसा होना चाहिए वो ड्रॉ करके दिखाओ। तो आप सब ड्रॉ कर लेना यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, ओके, और अच्छे से कलर करना। देन वी हैव मैन एमसीक्यूज और उसके बाद में लेट्स टॉक। तो ये एक्सरसाइज भी वर्कबुक में है, 4 क्वेश्चन आंसर्स है कि डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट। रात को क्या क्या आवाज है, जब आप सोती हो तब शांति होती है आसपास, तो क्या क्या आवाज सुनाई देती है आपको, आपको वो लिखना है। फिर आपको सोचना है कि आप पहले सो और आपका पार्टनर है, यहाँ पे क्लासरूम में एक्टिविटी करेंगे कि आपको पैर बनाएंगे, तो आपका पार्टनर है वो रैबिट है और आप पहले सो, तो आप क्या करोगे। और आपको क्या लगता है कि एलिस ने गार्डन में क्या देखा, आपको सोच के बताना है। हमने देखा स्टोरी की फ्लावर्स और फाउंटेन्स तो है ही, उसके अलावा क्या हो सकता है गार्डन में, तो आपको क्या लगता है। हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन, एलिस कैसे गार्डन में जा सकती है ये सोच के बताओ। ओके, देन वी हैव लेट्स राइट, उसमें फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मींस, तो यहाँ पे मीनिंग्स दिए है और उसका वर्ड स्टोरी में क्या है वो आपको देखना है। तो वर्ड देख के आपको मीनिंग्स लिखने को नहीं बोला है, मीनिंग्स दिए है आपको वर्ड लिखना है। ओके, देन देयर इज अ नेक्स्ट वन, यू हैव बीन गिवन वर्ड्स उसके ऑपोजिट्स एंटोनिम्स लिखने हैं और फिर उस एंटोनिम्स का यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाना। Then next one is आपको इमेजिन करना है, सोचना है, कल्पना करनी है ऐसी कि आप एक जर्नी पे गए हो, एक मुसाफरी पे गए हो और कहाँ गए हो, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आपको रास्ते में क्या क्या दिखेगा, ऊपर से आप नीचे अर्थ के सेंटर तक जाओगे तो आपको क्या क्या दिखेगा रास्ते में, वो सोच के लिखना है। और आपको कैसा फील होगा, तो next one is you have given jumbled words which you have to arrange in a proper sentence. तो ये भी आपको आसान है ना करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा